सोलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पुतला जलाने का कड़ा विरोध किया है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष भरत साहनी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए मन भावन बजट पेश किया है, शायद उसी को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा बदले की भावना से नहीं बल्कि प्रदेश में विकास की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में 300 चिकित्सक नियुक्त किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों की हालत जल्द सुधरने वाली है। जो कदम कांग्रेस सरकार 5 वर्षों में नहीं उठा सकी, वह कदम महज 100 दिनों के भीतर भाजपा सरकार उठा रही है, ताकि प्रदेशवासियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। भरत साहनी ने इस मौके पर कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडल पर तंज कसते हुए कहा कि विधायक शांडल सोलन से जीतने के बाद लापता हो चुके हैं और विधानसभा में भी अपनी निंद्रा में डूबे रहते हैं और वो सोलन की जनता की मांगों पर चर्चा तक नहीं कर सके, इसीलिए उन्हें भाजपा ने स्लीपिंग ब्यूटी की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके हैं, इसलिए वह प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास पुरुष जयराम ठाकुर का पुतला चला रहे हैं, जिसका भाजपा कड़ी शब्दों में विरोध करती है। उन्होंने यूथ कांग्रेस को नसीहत दी है कि अगर वह अपने जिले के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने सोए हुए विधायक धनीराम शांडल को जगाएं, ताकि वह भी सोलन के विकास में कुछ योगदान दे सकें। युवा कांग्रेस के लोगों को बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ से सोलन से एक प्रतिनिधि, जो कि सोलन की जनता ने जिता करके विधानसभा क्षेत्र में भेजे हैं, वो स्लीपिंग ब्यूटी ना रह करके वहां पर लोगों की, जनता की समस्या के बारे में बात करें। आप यहां पर पुतला जला रहे हमारे मुख्यमंत्री का, आपको जरूरत है आपके स्थानीय विधायक को यहां पर जगाने की, जो कि जिस दिन से विधानसभा के चुनाव हुए हैं उस दिन से निर्धारित हैं। हमारे जो यहां के जो विधायक हैं, अभी हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, एक दिन भी उठ करके उन्होंने हमारे सोलन विधानसभा क्षेत्र को लेकर के ना माननीय मुख्यमंत्री से मिले, ना वहां विधानसभा में कोई क्वेश्चन टेकअप किया। मैं पूछना चाहूंगा कि जनता ने इनको इसलिए जिता के भेजा है कि स्लीपिंग ब्यूटी की तरह यहां पर सोए रहेंगे? यूका के नेता अपनी मानसिकता को ठीक कर करके पहले अपने स्थानीय विधायक को ठीक करे, उसके बाद हमारे लीडरों के ऊपर आरोप या उनके पुतले जलाए। और पुतले जलाने का अधिकार किसी को नहीं है और हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जो है वो हमारे दरियादिल मुख्यमंत्री हैं और जिस जो बातों को उन्होंने कहा है वो पूरा करके देंगे।